To stay updated, subscribe to TJ Academy. तो आज हम देखने जा रहे हैं डिमांड सप्लाई एनालिसिस। अच्छा, हमने मार्केट मैकेनिज्म देख लिया जिसमें हमने डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम प्राइस देख ली, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देख ली, इंडस्ट्री और फर्म का रिलेशनशिप देख लिया कि इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होती है तो फर्म पर कैसे रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब थोड़ा सा डिमांड सप्लाई एनालिसिस अदर फैक्टर्स के हवाले से, यानी हमने अभी तक ये देखा कि प्राइस से क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं, प्राइस से क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन देख रहे हैं। अब अदर फैक्टर्स के इफेक्ट करने की वजह से मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, यहाँ पे हम दो साइड्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं डिमांड और यहाँ ले लेते हैं हम सप्लाई। कुछ फैक्टर्स डिमांड के ले लें अदर देन प्राइस, तो हमने कहा कि हमारे पास आ गया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ बायर्स, ये सारे अदर देन प्राइस फैक्टर्स हैं। टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, दूसरी तरफ सप्लाई पे आ जाते हैं, सप्लाई के भी कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया प्राइस ऑफ इनपुट, टैक्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन और है नंबर ऑफ सेलर्स। पांच फैक्टर्स ले ली, पांच फैक्टर्स ले ली। अब हम ये देखते हैं कि इन फैक्टर्स के चेंज होने से मार्केट में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, लेट्स सपोज जैसे ये आपके पास क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आपके पास डिमांड है, दिस इज द सप्लाई, या आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, प्राइस का इफेक्ट हम देख चुके हैं कि प्राइस अगर चेंज होगी तो अलोंग द कर्व मूवमेंट होगी, यहाँ भी अलोंग द कर्व मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं अदर फैक्टर्स की। हम एज्यूम करते हैं डिफरेंट केसेस में कि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए। अब बायर्स किस साइड का फैक्टर है? डिमांड साइड का। तो हमने डिमांड साइड के फैक्टर को लिया, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ बायर्स के बढ़ने का मतलब है एक्सपेक्टेड ये है कि डिमांड बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि कर्व का शिफ्ट, क्योंकि क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे ली है, तो बढ़ने का मतलब होता है राइट वर्ड, कम होने का मतलब है लेफ्ट वर्ड। तो नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ गए, यहाँ पर केस लिख देते हैं, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड के बढ़ने का मतलब है राइट वर्ड चला जाएगा, मूवमेंट अक्रॉस द कर्व होगी। क्यों? प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा अदर देन प्राइस, तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ बायर्स के बढ़ने से मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ा, तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम ये आ गया P2, देखें प्राइस भी इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी इजाफा हो गया Q1 Q2। ये था इफेक्ट किसका? नंबर ऑफ बायर्स के बढ़ने का। इस तरीके से अगर हम एक केस लें, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ से ले लें, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने का मतलब है मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा आ गएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने का मतलब है सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी क्वांटिटी की ले रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पर है, तो राइट लेफ्ट की बात करेंगे, राइट वर्ड। और फिर नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने का मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस देख सकते हैं कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इजाफा हो गया, Q1 से Q2 हो गया, ये P1 से P0 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स के इंक्रीज होने का मार्केट में क्या फ़र्क पड़ रहा है? प्राइस लेवल कम हो रहा है और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
अच्छा ये तो थे दो केस इस तरह सारे, कोई कोई भी केस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज कर जाए, तो सब्स्टिट्यूट अगर महंगा हो रहा है तो लोग एग्जिस्टिंग गुड की डिमांड बढ़ा देंगे, ये वाला केस आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, तो इनकम इंक्रीज होने का मतलब है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, वो डिमांड को बढ़ा देंगे। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट भी रिलेशनशिप है सर। तो ये तो था हमारे पास सिंगल शिफ्ट। यहाँ हमने कंज्यूमर साइड से भी सिंगल शिफ्ट को देखा, वहाँ हमने प्रोड्यूसर साइड से भी सिंगल शिफ्ट को देखा। अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे डबल शिफ्ट की, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो साइमल्टेनियसली एक साथ डिमांड साइड पे भी मूव करें और सप्लाई साइड पे भी मूव करें। तो अब हम बात करते हैं डबल शिफ्ट की। जैसे ये हमारे पास क्वांटिटी, ये हमारे पास प्राइस। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ सेलर्स भी बढ़ गए हैं, यानी नंबर ऑफ बायर्स भी इंक्रीज कर गए, नंबर ऑफ सेलर्स भी, दोनों फैक्टर्स चेंज हुए। जब दोनों फैक्टर्स चेंज हुए दोनों पर इफेक्ट आएगा। तो बायर इंक्रीज कर गए, तो बायर्स के बढ़ने की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान में रखें कि बायर्स के बढ़ने का मतलब है डिमांड का बढ़ जाना, और डिमांड के बढ़ने का मतलब है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना, तो डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। डी डैश। इसी तरीके से सेलर्स का बढ़ने का मतलब है सप्लाई का भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना। अब यहाँ एक सवाल है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिस मैग्नीट्यूड से डिमांड शिफ्ट हुआ है अगर उसी मैग्नीट्यूड से सप्लाई शिफ्ट होगा तो याद रखिएगा कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट क्या निकलेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस वही स्टे कर जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्यों क्वांटिटी बढ़ गई इक्विलिब्रियम बढ़ गया। ये केस उस वक्त है डबल शिफ्ट का कि जब आप दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ा है लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ, तो हो सकता है सप्लाई कर्व यहाँ नहीं यहाँ कहीं नजर आए, और जब यहाँ नजर आएगा तो यहाँ पर प्राइस लेवल आप देख सकते हैं बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी पहले से लेकिन प्राइस भी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। इस तरीके से अगर आप एज्यूम कर लेंगे सप्लाई ज़्यादा शिफ्ट हुई है तो ये यहाँ के बदले यहाँ कहीं आकर इंटरसेक्ट करेगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा प्राइस लेवल कम हो जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों कर्व की मूवमेंट है। अगर कहीं मैग्नीट्यूड लिखा हुआ नहीं है, आपको गिवन नहीं है, तो फिर आप चाहें तो सेम कर लें चाहें तो डिफरेंट कर लें, यानी किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं मेंशन है किसी केस में कि डिमांड बढ़ी है और सप्लाई उसकी डबल इंक्रीज हुई है, तो आपको सप्लाई शिफ्ट भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ये तो थे आपके पास डिफरेंट। अब सारे फैक्टर्स इसमें से भी आप कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी चेंज करें साथ साथ, ये सारे फैक्टर्स भी चेंज करें। प्राइस ऑफ इनपुट के बढ़ने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से सप्लाई शिफ्ट लेफ्ट फर्ट शिफ्ट हो जाएगी। टैक्सेस के बढ़ने से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब है आप ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाई का राइट फर्ट शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन, अब यहाँ इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी। अच्छा अब एज्यूम करते हैं कि प्राइस एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, यानी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ गया, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है, एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस बढ़ने वाली है, अभी इंक्रीज हुई नहीं है, प्राइस बढ़ने वाली है। तो जब दोनों ये सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो ऐसी सूरत में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या है, अभी प्राइस बढ़ी नहीं है, इंक्रीज नहीं हुए, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि जब एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा होते हुए नजर आए तो वो आज की डेट में डिमांड को बढ़ा देगा। अच्छा आपके किसी के जहन में ये आएगा ये तो प्राइस चेंज हो रही है फिर भी आप डिमांड शिफ्ट कर रहे हैं, अलॉन्ग दी कर्व नहीं कर रहे, असल में ये प्राइस चेंज हो ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो प्राइस तो यही वाला फैक्टर है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस ये नहीं है, ये अदर फैक्टर में कंसिडर होगा। तो डिमांड इंक्रीज हो गई, अगर खाली डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो आप देखते हैं प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी।
लेकिन साथ साथ सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन थोड़ी है, प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन भी है कि प्राइस बढ़ने वाली है। और जब प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर का रैशनल बिहेवियर क्या है, वो ये चाहेगा जब प्राइस बढ़ जाए तब आउटपुट सेल करूंगा। तो अभी के लिए वो क्या करेगा, सप्लाई शॉर्ट कर देगा, यानी लेफ्ट फुट ले आएगा। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो, इस तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या थोड़ी कम इंक्रीज हो। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने कर्व को सही शिफ्ट किया है नहीं किया है, किसकी वजह से, वेरिएबल जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये जो केस है ये हमारे पास है क्या है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का, और सिर्फ कंज्यूमर साइड से नहीं, बोथ साइड से, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों शिफ्ट हुआ। तो ये आपके पास जो केसेस थे डबल शिफ्ट के, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों करके शिफ्टिंग के केस थे। तो आई होप ये डिमांड सप्लाई एनालिसिस और मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अगर ये पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।